नाम नाम लेते हैं अदब से, सर झुकाते प्यार से, आपके हक में दुआएं मांगते अधिकार से, आपके ही सद्गुणों का गान करते बार बार, जिंदगी मिलती है जिनको आपके उपकार से, आपके उपकार से। साथियों, ये जिंदगी बेहद अनमोल है और इस अनमोल जिंदगी को कुछ इंसान शारीरिक न्यूनता के कारण सही ढंग से नहीं जी पाते। फरीदाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी ने ऐसे इंसानों की पीड़ा को समझा और उनके दर्द को हरने की कोशिश की और इस नेक काम में आरपीएस ग्रुप ने रेड क्रॉस सोसाइटी का साथ दिया। जी हाँ, आरपीएस ग्रुप ने रेड क्रॉस सोसाइटी का साथ दिया और इस तरह शुरू हुई सक्षमता मिशन की शुरुआत। फरीदाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी ने गांव-गांव और घर-घर जाकर सर्वे कराया, जिससे किसी भी अक्षम साथी को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण आसानी से मिल सकें और वह सक्षम होकर अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद उठा सके। 21 जनवरी 2012 को तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी की कोशिश से रेड क्रॉस सोसाइटी और आरपीएस ग्रुप के बीच एमओयू साइन किया गया। इसके तहत आरपीएस ग्रुप ने एक ऐसी मोबाइल वर्कशॉप वैन तैयार की जिसमें सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग बनाई जा सकें। सक्षमता मिशन के तहत आरपीएस ग्रुप ने एक मोबाइल वैन वर्कशॉप वैन डिज़ाइन की और उसको बनाया गया, जिसका काम है गांव-गांव में जाकर ज़रूरतमंद लोगों को आर्टिफिशियल लेम्स तैयार कर वहां पर फिट करना। इससे इस सुविधा से जो काम हम 2 या 4 साल में कर पाते वो हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में कर लिया। जो लोग अपना जीवन सामान्य नहीं जी पा रहे थे, इस सक्षमता मिशन के तहत वो सब लोग आज सामान्य जीवन जी रहे हैं। इसको देखते हुए आरपीएस ग्रुप और रेड क्रॉस सोसाइटी को बहुत खुशी मिलती है, बहुत गर्व होता है कि इस नए काम के लिए हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और आरपीएस ग्रुप इस तरीके के कोई भी अगर प्रोजेक्ट आते हैं उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ पूरा सहयोग देंगे। 22 अप्रैल 2012 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान हुड्डा जी ने गांव भूपानी से मोबाइल वर्कशॉप वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फरीदाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी उसी वैन के जरिए वर्तमान डिप्टी कमिश्नर श्री बलराज सिंह जी के मार्गदर्शन में अक्षम को सक्षम बनाने की मुहिम में जुटी हुई है। 22 अप्रैल 2012 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गांव भोपानी से इस मोबाइल वर्कशॉप वैन को रवाना किया था और एक चैलेंज था, उन्होंने भी चैलेंज के रूप में इस बात को लिया था कि ये चैलेंज होगा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए और आरपीएस ग्रुप के लिए कि इतने थोड़े समय के अंदर हर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन तक अपनी एक्सेस बनाना, डिफरेंटली एबल्ड जो पॉपुलेशन है उन सबको लाभान्वित करने के लिए एक योजना बनाई गई थी। और मैं आग्रह करूंगा बाकी ज़िले की अन्य समाज सेवी संस्थाओं से या डिफरेंट एसोसिएशन से इससे प्रेरणा लेते हुए ज़िले की जो डिफरेंटली एबल्ड पॉपुलेशन है उनके फायदे के लिए अपनी स्कीम में एक्शन के अंदर लेके आए। गांव भूपानी में वैन को रवाना करने से पहले सीएम साहब ने वैन का जायजा भी लिया। उन्होंने फरीदाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी और आरपीएस ग्रुप की तहे दिल से सराहना की। गांव भूपानी से चलाई गई मोबाइल वर्कशॉप वैन जब गांव-गांव और नगर निगम के अलग अलग वार्डों में पहुंची तो उन अक्षम साथियों में आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई, जिनके लिए सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग आज वरदान साबित हुए हैं। फरीदाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी अक्षम को सक्षम बनाने के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर श्री बलराज सिंह जी के मार्गदर्शन में ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रही है। बात
चाहे आसानी से रक्त उपलब्ध कराने की हो या किसी भी हाल में घायल को अस्पताल पहुंचाने की हो, फरीदाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव श्री डीआर शर्मा जी अपनी पूरी टीम के साथ जुट जाते हैं। सक्षमता मिशन की जो कामयाबी पर हमें हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री जगन्नाथ पाड़िया जी का हमें पूरा आशीर्वाद मिला है। इसके साथ साथ हमें हमारे फरीदाबाद जिले की जनता का भी हमें बहुत सहयोग मिला है, हम उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं। और इस अभियान की सफलता में हमें आरपीएस ग्रुप का जो सहयोग मिला है, इसके साथ साथ जो और जो हमारे साथी सहयोगी हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के हमारे सदस्य हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ ये जो मोबाइल वर्कशॉप है, ये हरियाणा प्रदेश के जो दूसरे ज़िले हैं उनको भी अपनी सेवाएं देगी, दूसरे जिलों को अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, मेवात है, पलवल है, गुड़गांवा है। तो इस अभियान को हम जारी रखेंगे ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठाएं। और इसके अलावा जो हमारे को सामाजिक संस्थानों ने रेड क्रॉस के मेंबर्स और मीडिया पर्सन, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा इसमें, उनका धन्यवाद करता हूँ। और इस कामयाबी पर जिले के सभी नागरिकों का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आइए साथियों, हम और आप भी रेड क्रॉस सोसाइटी और आरपीएस ग्रुप की तरह एक साथ मिलकर ये संकल्प लें, रखने को जिंदा दोस्तों पहचान के लिए वाजिब है फर्ज, ये हर एक इंसान के लिए आओ कसम ये खाएं के सब कुछ लुटाएंगे भारत की आन बान और शान के लिए, भारत की आन बान और शान के लिए, शान के लिए, शान के लिए।